तीन मैंबरी कमेटी की कैप्टन नाल तीन घंटे हुई मीटिंग। कैप्टन बोले चोणां दी रणनीति ते हुई चर्चा। हरीश रावत ने कहा चुनौतियां नाल निजिठण बाबत कैप्टन ने दिता प्लान। वैक्सीन कपले दे इल्जामां च घिरी कैप्टन सरकार दा यूटर्न। प्राइवेट हस्पतालां नूं वेची वैक्सीन मंगी वापस। तय रेटां तों वध पैसे दे टीका लगवाउण वालियां नूं पैसे मुड़न दा आदेश। अमृतसर च शरणार्थियों के हाथ लगी निराशा। तीन दहाकों तो जहाजगढ़ इलाके च रहिंदे 40 तो वध परिवार। भारत सरकार ने देश के 13 जिलों के शरणार्थियों तो मंगिया ने अर्जियां। पंजाब च जलंधर जिले का नाम शामिल। आरसीएमपी ने कैंप लूप्स रिहायशी स्कूल च मिले बच्चों के कंकाल मामले च खोली जांच। फर्स्ट नेशन चीफ करनगे अगवाई। फैडरल सरकार ने जारी किया नैशनल एक्शन प्लान। दिफलाइंग सिख मिल्खा सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने हाल। सेहतयाबी लिए भेजिया शुभ इच्छावां। वीरवार तो आईसीयू च जेरे इलाज ने मिल्खा सिंह। दो हफ्ते पहला होया सी कोरोना। कांग्रेस दे विच कलेश जारी है। इस दरमियान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कमेटी के सामने पेश होए। अपना पक्ष रखिया। तीन घंटे ये मीटिंग चली और जो बाहर आए तो क्या कि मंथन किया गया। रणनीति घड़ी गई है 2022 के लिए। तो उधर हरीश रावत ने जिक्र किया कि जो चुनौतियां ने उस नाल कैप्टन किवें नजिठणगे ये प्लान दस के गए ने कि यह पूरा मामला की पूरा घटनाक्रम रहा पूरे दिन और बीते चार दिन तो की रह रहे ने सियासी समीकरण दिखाते हैं इस रिपोर्ट। पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं या गवर्नमेंट के सामने जो चुनौतियां हैं उन सब पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। मैं बताया है तो चुनौतियों का कैसे समाधान निकलेगा। मीटिंगें होती हैं जो इनर पार्टी के जो मसले होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तीन घंटे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तीन मैंबरी कमेटी के नाल मंथन करते रहे। 11 बजे गए तो 2 बजे बाहर आए। चार दिन के लंबे अभ्यास की समाप्ति कैप्टन ने यह कह के कर दी कि 2022 की तैयारी है। पार्टी दी अंदरूनी गल्लां ने फिर भावें कलेश का खलारा दिल्ली तो लैके पंजाब तक पिया होया। देखिए कई मीटिंगें होती हैं जो इनर पार्टी के जो मसले होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। आज 6 महीने के बाद हमारी इलेक्शन आ रही है एंड नेचुरली हमारी डिस्कशंस कई बातों पे होती है और वो ही हमने इनर पार्टी डिस्कशन की है। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर वन जो है ये इसलिए की गई है बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शन आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। सीएम चाहे जो भी कहन सवाल उन्होंने अगवाई से उठे ने। तीन दिनों तो कई विधायक MP खुलेआम भी दबी आवाज च भी कैप्टन से सवाल खड़े कर रहे हैं। कैप्टन के पहुंचने तो पहला कांग्रेस के वार रूम दफ्तर च एक बार मुड़ तो शमशेर सिंह दुल्लो ते प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पहुंचने तो पहला दोवें लीडर चले गए। इस वक्त असीं दिल्ली दे विच 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड ते बाहर खड़े हैं जिते कांग्रेस का वार रूम है। इतने पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त मिल रहे हैं। तीन मैंबरी कमेटी जो हाईकमान ने बनाई है पंजाब के कांग्रेस के जो डिफरेंसिस चल रहे हैं उन्होंने दूर करने वास्ते। दस दिए कि इस तो पहले जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने आए उस तो पहले ही राज्यसभा MP प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लों वो दोनों इतने आए से एंटर किए 15 GRG रोड प्रमाइसिस के बीच कांग्रेस वार रूम के गए थे। हालांकि जिदा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की गड्डियां इतने आई हैं वो दोनों कैप्टन अमरिंदर सिंह की गड्डियां एंटर होने तो पहले ही वो बाहर निकल गए। हरीश रावत जो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी ने ते कमेटी के मैंबर भी चुनौतियों नाल नजिठण च कैप्टन का प्लान सुन के आए ने पर दावा नाल सब ठीक ठाक होने का भी किया। सवाल यह भी है कि जे ठीक ही सी चर्चा लिए करोना काल का ही समा क्यों चुनिया। यो पंजाब तो दिल्ली तक रौला क्यों पिया। जो सवाल आए थे सामने और जो स्थिति पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं या गवर्नमेंट के सामने जो चुनौतियां हैं उन सब पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और उनसे हमने उनका क्या रोड मैप है कैसे उन चुनौतियों का वो सामना करेंगे और कैसे 2022 की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर बातचीत की और उन्होंने सब बताया वो रखा।
कमेटी के सम्मुख जो है वो हम कांग्रेस प्रेसिडेंट के सम्मुख उनका जो उन्होंने जो रोड मैप बताया है तो चुनौतियों का कैसे समाधान निकलेगा वो सब बातें रखते और बाकी लीडरशिप वाले मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट ही केवल उस विषय में अधिकृत है। हुन इंतजार है उस रिपोर्ट का जो कमेटी हाईकमान नू 5 जून नू सौंपेगी। कमेटी बनी थी, एक कमेटी इसलिए बनी थी कि कुछ असंतोष था, कुछ बयानबाजी हुई थी, तो हाईकमान ने कमेटी बनाई कि ताकि हम दोनों को बुला के बात सुने। तो पहले तो उन दो तीन दिन उन लोगों से बात हुई, आज सीएम साहब आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो जो एक रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेज दी जाएगी। कब रिपोर्ट भेजेंगे सर आप लोग, कितना टाइम लेंगे आप लोग अपनी रिपोर्ट बनाने में? और कल तक भेज देंगे। कैप्टन काग सियासतदान ने जो इन्नी छेती चुकन वाले नहीं, चर्चा ये भी चल रही है कि दो डिप्टी सीएम हो सकते ने, एक हिंदू या सिख अते दूजा दलित, एक पोर्टफोलियो हिंदू नू ते एक दलित नू अते दो जाट सिख नू देन दा फॉर्मूला कैप्टन ने बनाया। कैप्टन सिद्धू नू किसी भी हालत च पार्टी प्रधान नहीं बनन देना चाहते। कदे कैप्टन सिद्धू पीस मिशन ते निकले रावत भी हुण इस मुहिम तो थोड़ा पछा हटते नजर आए ने। मैंने ये कहा कि पहले मैं कोशिश कर रहा था कि सिद्धू साहब और कैप्टन जी एक साथ एक टीम के रूप में खड़े हो जाएं। आज भी एक टीम है, पार्टी टीम भी है, उसमें दोनों एक साथ हैं, लेकिन इस समय कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आ गई हैं, इसलिए हमने बैठ करके मुख्यमंत्री से बात की। हुण टेक हाई कमान उत्ते है, पर पंजाब कांग्रेस दी अंदरूनी लड़ाई इस कदर वधी है कि सीएम नू कमेटी अगे पेश होना पिया। सब जानते ने कि मुख्यमंत्री लई आसान नहीं सी, पर सवाल कारगुजारी उत्ते अपने नहीं चुके ने, खास करके नवजोत सिंह सिद्धू नाल लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह नू दिल्ली तक ले आई है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਚੜਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ। जेकर पंजाब दे किसे प्राइवेट हस्पताल दे विच तुसी वादू पैसे दे के कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो ये वादू पैसे हुण तुहानू वापस मोड़े जाणगे, ये सेहत मंत्री ने ऐलान कीता है, क्योंकि पंजाब सरकार बुरी तरह दे नाल वैक्सीन कपले दे इल्जामां दे विच किरी हुई सी। मिली भगत दे इल्जाम मंत्रियों ते भी लगे सन, जिस तों बाद कैप्टन सरकार ने यू टर्न लिया, नोटिफिकेशन जारी कीता अते इत्थों तक कि प्राइवेट हस्पतालां नू जो वैक्सीन वेची गई सी उह वापस मंग लई गई है। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार 400 रुपये से वैक्सीन लेंदी है तो प्राइवेट हस्पतालों 1060 से बेच रही है, तो प्राइवेट हस्पतालों अगे क्या तुसी जिन्ना मर्जी रेट लाना है तुसी मर्जी रेट ला लो। एडा वड्डा कपला, मानवता की जान के उत्ते कपला। ये सुना था कि राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि एक राज्य सरकार वैक्सीन से पैसा बना रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है। क्या इस काला बाजारी और वैक्सीन घोटाले का पैसा कांग्रेस हाई कमांड तक पहुंच रहा है? तो एम जी कोई गल नहीं कि सरकार के प्रॉफिट कमा के गां जड़ी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल नु दे, सो एम जी कोई गावे गल ही आ गल्ला है ने। क्या विचित्र राजनीति चल रही है, पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहाँ वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। कहना जो उन्होंने ट्वीट किया वो गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लोकां दे लुट करोड़ां दे स्कैम दे इल्जाम पंजाब तो लेके दिल्ली तक सियासत चाहे पुचाल लई ए चिट्ठी ते मुख सकत्तर दा ए ट्वीट जिम्मेवार है, ते सब दे जवाब च कैप्टन सरकार वलो आ गया है एक होर नोटिफिकेशन। पंजाब सरकार वलो नोटिफिकेशन जारी होया है, जिस च पुराने नोटिफिकेशन नु रद्द कर प्राइवेट हस्पतालां नु दित्ती वैक्सीन वापस मंग लई गई है। सवालां च किरी सरकार दे वलो जारी नोटिफिकेशन च लिखा है कि नोटिफिकेशन नु सही भावना नाल नहीं लिया गया, इसे लई प्राइवेट हस्पतालां नु टीका वापस करन दे आदेश ने। इल्जाम सन के 400 च टीका
का खरीद 1060 च वेचा जांदा है ते फिर प्राइवेट हस्पताल अगां मनमर्जी दे रेट यानी कि 1500 तक वेचदे ने ते इन्हां इल्जाम तराशियां दे केंद्र च सी कैप्टन सरकार ते मैं कहना बहुत वड्डा करोड़ां रुपए दा कपला इन्हां दे मंत्री ते कैप्टन सरकार करिए करोड़ां रुपए दे लोकां दी जानां ते आ देखो चीफ सैकटरी पंजाब विनी महाजन चीफ सैकटरी पंजाब का ट्वीट की है की संदेश मैसेज आया कि जे ती सारे पंजाबियों नू चीफ सैकटरी पंजाब कह रही है कि तुसी जाके प्राइवेट हस्पतालों ते जाके वैक्सीन लवाओ ते पंजाब दी सरकार आप नहीं ला रही आप तो तुसी जाओ सरकारी हस्पताल कहेंगे है नहीं वैक्सीन जिन्हें वैक्सीन है सारे उन्होंने प्राइवेट नू भेज दते है सो दैट प्राइवेट एक एक वैक्सीन के मगर 700 रुपया तो लैके 1000 रुपया कमा रहे हैं। मैं लगता मैनू शर्म आके कहती है कहना पैंदा है दुख लगता मैनू कि साडा सूबे का मुख्यमंत्री वो है जे लोगों की जाना ते खेड़ रहा है जिहड़ा लोगों की जाना ते पैसे कमाउण ते लग्या। बेशक सरकार ने यू टर्न ले लिया है पर 29 मई 2021 नूं पंजाब सरकार दे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर महकमे वल्लों सिविल सर्जनां नूं जारी हुई है चिट्ठी काफी सवाल खड़े करदी है। चिट्ठी च प्राइवेट हस्पतालां च वैक्सीन दी सप्लाई यकीनी बनाउण लई आख्या गया सी। 15 मई दा ट्वीट मुख सकत्तर दा जिस च अपील है लोकां नूं कि प्राइवेट हस्पतालां च रजिस्टर करवा टीका लगवाउण। सवाल उठदा है कि मुफ्त मिलण वाला टीका सरकारी दी थां प्राइवेट हस्पतालां दे विच महंगे रेट ते लगवाउण दे लई क्यों आख्या गया। मेरा सवाल ये है कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ये चिट्ठी सभी सिविल सर्जन्स को लिख रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप ये वैक्सीन्स जो हैं वो उपलब्ध करवाइए या होने चाहिए तो क्या सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बिजनेस कर रही है। जो इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में मुझे आपको सब लोगों को फ्री लग रहा है उसी इंजेक्शन को प्राइवेट हॉस्पिटल में 900 से 1250 रुपए लगवाने के लिए क्यों ये चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं। ये बिजनेस है क्या क्यों। अगर मान लीजिए ये आपका मिशन फतेह है अगर आपने फतेह मिशन चला रखा है और आपके पास स्टाफ पूरा है डॉक्टर पूरे हैं जो आप दावे कर रहे हैं और आपके पास हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है हर जिले में तो फिर ये सरकारी हॉस्पिटल्स में लगने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने होंगे 20-50 उनको क्यों दिए जा रहे हैं क्यों सुनिश्चित किया जा रहा है। विरोधी धिरां वल्लों रिश्वत कपले लोकां नूं ठगण वर्गे गंभीर इल्जाम लाए जा रहे ने ते सवाल ए वी है कि किस दी है मिली भगत की है पूरा सच ते इन्हां सवालां दी वाछड़ तो कांग्रेस हाई कमान भी नहीं बच सकी। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में टीका लगा सकती है लगभग 1/4 आबादी को तो टीका लगा भी दिया मुफ्त में टीका लगा सकती है तो कैप्टन की कांग्रेस की पंजाब की सरकार हमारे सूबे पंजाब के लोगों को मुफ्त में टीका क्यों नहीं लगा सकती। सारी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों की ओर धकेल कर लोगों को मुफ्त में लगने वाले टीके को क्यों 3100 रुपए में खरीदने के लिए कैप्टन सरकार मजबूर कर रही है। हम पूछना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से कि ये जो वैक्सीन घोटाला और वैक्सीन की कालाबाजारी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार कर रही है इसका पैसा कांग्रेस पार्टी के किस किस नेता के पास जा रहा है किस किस नेता के पास कितने कितने करोड़ रुपए इस वैक्सीन की कालाबाजारी से जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज ये सवाल हमें बताए पंजाब की आवाम को इसका जवाब दे। श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी अते बीजेपी कोई अजिही सियासी धिर नहीं है जिसने सवाल न खड़े किए हों। कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है तो ये कैसा जनता का प्रशासन है। आज कांग्रेस की ये स्थिति और जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दिए सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए हैं और इन्होंने ही मांगा था कि डिसेंट्रलाइज करो अब डिसेंट्रलाइज करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं सेंट्रलाइज करो तो ये रोज बदलती भूमिका और ध्यान दे अपने मैनेजमेंट पर
ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। ट्वीट नूं सेहत मंत्री भी गलत मानते ने, पर पूरा मसला की है इसका जवाब देने तो टलदे ही नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया वो गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली कराएंगे, मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की प्रतिक्रिया मेरे हाथ में नहीं है। जो हमारे को 400 रुपए में हम ले रहे हैं तो वो फ्री लगा रहे हैं हम, तो जो मेरी फैसिलिटी पे लग रही है। कोई अफजी गल नहीं, कोई सरकार की अफजी मंशा नहीं, सरकार तो अपने को जड़े ने जी वैक्सीन जी आप जी अभी ड्राफ्ट दिते ने कंपनिया भी होर आवे जिनी भी मिले उन्नी थोड़ी है। सो एम जी कोई गल नहीं कि सरकार प्रॉफिट कमा के गां जी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल दे। सो एम जी कोई एवं गल ही आ गल ने। सवाल सिर्फ विरोधियों के नहीं अपन के भी ने। यह चिट्ठी प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री नूं लिखी है। कैप्टन सरकार की पॉलिसी से सवाल खड़े कर रही है। लिखा है कि कोरोना की दूजी लहर के दरमियान यह सब गैर जरूरी सी। सरकार चाहे कोई भी तर्क देवे पर सवालों का जवाब मिलना लाजम है, क्योंकि मुद्दा सेहत सुरक्षा नाल जुड़े है, दौर महामारी दा। सवाल यह भी है कि की पंजाब सरकार कोरोना वैक्सीन के नाम से बिजनेस कर रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर बार लंबिया लाइना मिलदिया ने, बाहर टीका ना होने के पोस्टर होंगे ने, लोग खज्जल खुआर ने, ते मुख सकत्तर प्राइवेट हस्पतालों च रजिस्टर कराने के लिए अपील करते हैं। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਛੁੱਟ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਖਫਾ। भारत सरकार दे वल्लों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सी, जिस दे तहत 5 सूबियां दे 13 जिलियां तों शरणार्थी जो उत्थे रह रहे ने उन्हां तों अर्जियां मंगियां गईयां सन तां जो नागरिकता दित्ती जा सके। पंजाब दा जलंधर जिला भी इस लिस्ट दे विच शामिल है, पर अमृतसर जिला जो सरहदी जिला, इत्थे ज़्यादातर शरणार्थी आके वसदे ने ते कई कई दहाकियां तों इत्थे रह रहे ने, उह खफा ने क्योंकि एक वार मुड़ तों उन्हां दी आस टुट गई है। साल तो साल वीज़ा ले रहे हैं, इतने वीज़ा लेके रह रहे हैं, 22 साल 25 साल हो गए। 6 साल तो बाद सिटीजनशिप का रूल है कि मिलनी चाहिए। सानू 22 साल 25 साल हो गए, असं हूँ पाकिस्तान क्यों जाइए? सब तो पहला अमृतसर के लोगों को देनी चाहिए। जलंधर कार हो गए 4-5 परिवार जोड़े हो कुछ साल तो आए ने, तो अमृतसर के घर 35-40 परिवार ने जिन्होंने 20 तो 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए सानू, सानू सारे पाकिस्तानी कहते हैं, असी कदों पगे हिंदुस्तानी बनांगे। अमृतसर के जहाजगढ़ इलाके च रहिंदे शरण सिंह की नाराजगी ते दुख उदों होर वध गया जदों भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। 22 वरे पहला पाकिस्तान के पेशावर तो अमृतसर आए सन, पर अजे तक पाकिस्तानी कहलाए जाने की टीस है। आस सी कि कदे वारी आएगी, पर इस वार भी पंजाब तो सिर्फ जलंधर जिला चुने जाण करके ठेस पहुंची है। पर उम्मीद अजे भी है कि शायद अगली वार ही सही सरकार सुनेगी, क्योंकि जलंधर के मुकाबले अमृतसर दे विच वधेरे शरणार्थी ने। सानू तो यह कहना चाहिए कि सब तो पहला अमृतसर के लोगों को देनी चाहिए। जलंधर कार हो गए 4-5 परिवार जोड़े हो कुछ साल तो आए ने, ते अमृतसर के घर 35-40 परिवार ने जिन्होंने 20 तो 25 साल हो गए ने। शरण सिंह ही नहीं, 1997 पाकिस्तान छड़ चढ़ते पंजाब आए गुरमीत सिंह, शिव कुमार के परिवार भी चाकच सन कि कोई राहत मिलेगी, पर इस नोटिफिकेशन ने भी निराशी की है। अमृतसर घट्टो घट नहीं तो 50 तो 60% लोग इतने रह रहे जो पाकिस्तान आए हुए, तो उन्होंने तकरीबन किसी 15 साल किसी 20 साल किसी 24 साल किसी 25 साल हो गए। तो इंडियन गवर्नमेंट को यह अपील करते हैं कि उन्होंने नाल नाल जो पंजाब हर एक जिले में रह रहे उन्होंने भी इतों की नैशनलिटी दी जाए। इन्ना को इन्होंने नहीं किया, क्योंकि असं जो किसी कोई रिश्तेदारी मैरिज होंगी सी या कोई
कोई दुख सुख जो भी होंदा सी असी चले जांदे सी, हुण नहीं असी जा सकते क्योंकि रीसेंटली इन्होंने यही पिछले 2020 दे विच साडे तो अपना सैन करवा के बकायदा सानू समझाया कि एक बंदे नू कि तुसी अमृतसर जिले तो बाहर नहीं जा सकते हो, तुहाडी अमृतसर दा यह जिला वा, इन्होंने बकायदा समझाया। पहले असी काफ़ी वारी मिल चुके हैं, डी सी साहब नू भी मिल चुके हैं, उन्होंने दरख्वास्तां भी दित्तियां ने कि इस तरह असी इधर रह रहे हैं, यह परेशानियां आ रही ने सानू, बट पिछे सानू कुछ भी अमृतसर दे विच कोई रिप्लाई नहीं आया। सिटीजनशिप दे फाइलें भी भेजिया सी, कोई रिप्लाई नहीं आया उस चीज़ का। हुण सानूं उम्मीद सी पिछे कि चलो जिहड़ा CAA लागू हो रहा वा उहदी उम्मीद सी, उहदी उम्मीद ते हुण भी बैठे होए आ। इहदा हुण नोटिफिकेशन आया, इह भी नोटिफिकेशन साडे लई ना काफ़ी दर्द भरिया वा, जिहदे च अमृतसर दा नाम नहीं लिता वा। जहाजगढ़ इलाके च रहिंदे इह लोक 3 दहाकियां तों इत्थे ही कारोबार कर रहे ने, पर हुण शहर तों बाहर जाण ते वी पाबंदी है, मुश्किलां दी लिस्ट लंबी है, इसे लई छेती ही हिंदुस्तानी बनना चाहुंदे ने। असीं इत्थे परमिट ते हर एक साल वीज़ा लै रहे हां, तो हूँ सानू हर एक साल वीजे के नाल सानू बड़ी परेशानी आ रही है। कमिश्नर दफ्तर च वखरा गरंटर देना है, थाने विच वखरा गरंटर देना है, उस तो इलावा हूँ सानू एक कानून आया कि तुसी अमृतसर तो बाहर नहीं जा सकते। असी बिजनेस भी करना पंजाब दे विच, चलो दिल्ली नहीं जाते, पंजाब दे विचकार असी जलंधर जाने, लुधियाना जाने, पटियाले जाने, जिथे सानू टायरां दा कम है, साडा साडे कम वास्ते जाना पैंदा। उस तो इलावा भी अज एक होर लेटर आया है, सानू किया गया है कि तुसी पासपोर्ट रिन्यू करो, पासपोर्ट रिन्यू होंगे पाकिस्तान की हदा ID नाल, शनाख्ती कार्ड के नाल, जबकि साढ़े शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए। इहदे वास्ते सानू बहुत सारा पैसा खर्चना करना पैंदा है, एक पासपोर्ट ते 10,000-15,000 रुपये का खर्चा है। फैमिली विच हर परिवार में 4-5 मैंबर ने, और पहले तो गल कि बॉर्डर बंद ने, तो असी किस तरह जाइए पाकिस्तान में पासपोर्ट नहीं रिन्यू कराइए, तो असी करिए भी क्यों? 22 साल 25 साल हो गए, 6 साल तो बाद सिटीजनशिप का रूल है कि मिलनी चाहिए, सानू 22 साल 25 साल हो गए, असी हुण पाकिस्तान क्यों जाइए? भारत सरकार दे नोटिफिकेशन दे मुताबिक गैर मुस्लिम घट गिणती भाईचारे दे शरणार्थी जिन्हां सिख, हिंदू, बुद्ध, ईसाई आउंदे ने, उहनां नूं नागरिकता देनी है। MHA वालों जारी किए गए नोटिफिकेशन च लिखा है कि अफगानिस्तान, बंगलादेश अते पाकिस्तान तो आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों नूं नागरिकता देने दे लई अर्जियां मंगियां जा रही ने। MHA दे नोटिफिकेशन च कहा गया है कि नागरिकता कानून 1995 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों के तहत एक कदम चुकया गया है। देश के 5 सूबों के 13 जिलों के शरणार्थियों को राहत मिलेगी। पंजाब का जलंधर जिला इस शामिल है, हरियाणा का फरीदाबाद, राजस्थान के 5 जिले ने, जबकि गुजरात के 4 ते छत्तीसगढ़ के 2। भारत सरकार CAA लेके आई सी, यानी कि नागरिकता सोध एक्ट कानून बनिया, पर इस नूं लागू नहीं किया गया। उदों भी कई लोगों नूं आस जगी सी, पर हुण सरकार ने शरणार्थियों नूं नागरिकता देण दा एक होर राह कढ़िया, पर अमृतसर च वसे ये लोग हिंदुस्तानी बनन तो एक बार मुड़ तो वांझे रह गए ने। फ्लाइंग सिख के नाम नाल जाने जाते मिल्खा सिंह की सेहत विगड़ी है, जिस तो बाद उन्होंने मुड़ तो हस्पताल दाखिल करवाना पै, कुछ दिन पहला कोरोना पीड़ित तो हो गए सन। प्रधानमंत्री ने भी मिल्खा सिंह के नाल गल करके उन्होंने सेहत जानी, नाल ही दुआ की कि जल्द तो जल्द सेहतयाब हो। दि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह तबीयत विगड़न करके हस्पताल च जेरे इलाज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह दे नाल गलबात कीती ते सेहत दा हाल जानिया। प्रधानमंत्री ने उन्हां दी जल्द सेहतयाबी लई दुआ कीती ते उम्मीद जताई कि जल्द ही मिल्खा सिंह आने वाली टोक्यो ओलंपिक्स खेडां च हिस्सा लैण वाले खिडारियों नूं उत्साहित करन दे लई तंदुरुस्त हो के परतणगे। मिल्खा सिंह चंडीगढ़ PGI च ICU वार्ड च इलाज करवा रहे ने, सेहत फिलहाल स्थिर दसी जा रही है। 2 हफ्ते पहला सरदार मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए सन, उदों इलाज लई मोहाली दे फोर्टिस हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया सी। ठीक होने बाद वह चंडीगढ़ वाली रिहायश च आइसोलेट सन, पर वीरवार नूं ऑक्सीजन पद्धर घटन बाद PGI लियांदे गए। उम्र दे 9 दहाके माण चुके भारत दे बेहद फिट ते जिंदा दिल मिल्खा सिंह ने महामारी कोरोना नूं वी मात दे दित्ती सी, पर फिर तो कुछ मुश्किलां पेश आईयां। द फ्लाइंग सिख नाम नाल मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1932 च पाकिस्तान के लायलपुर च होया सी। वंड दौरान उन्होंने अपना घर परिवार गवाया अते भारत च जिंदगी की राह बेहद चुनौतियां पूर्ण रही। 1953 दे विच मिल्खा सिंह फौज च भर्ती हुए। फौजी मिल्खा सिंह ने दौड़ की तैयारी शुरू की। 1956 समर ओलंपिक्स च भारत की नुमाइंदगी की। 1957 ते 58 मिल्खा सिंह ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।
1958 दे कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेडां च गोल्ड मैडल जित्तिया। 1960 रोम ओलंपिक्स, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स भारत की नुमाइंदगी की। टोक्यो खेडा च 200 ते 400 मीटर दौड़ च रिकॉर्ड कायम किया। भारत के चौथे सर्वउच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री के नाल नवाजे जा चुके ने। 1960 के उस दौर के बाद मिल्खा सिंह के नाम का डंका वजन लग्या। 1960 के रोम ओलंपिक मैडल का मलाल अजे भी खलद है, पर अजे तक भी एशियन खेडा च 400 मीटर दौड़ जितने वाले भारत के इकलौते अथलीट ने। 80 अंतरराष्ट्रीय दौड़ों के 77 दौड़ा अपने नाम कीतिया, जिंदगी का हर मैदान फतेह किया। फ्रंटफुट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।